इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। मानसून की दस्तक के बाद पहली बारिश से खलबली, हिमाचल के चमियाना में मलबा और उसमें 3 गाड़ियां दब गई हैं। सड़क किनारे खड़ी थी ये गाड़ियां। और आपको बता दें कि यहां पर पहाड़ का हिस्सा दरका, मलबा नीचे आकर गिरा और उसी मलबे में 3 गाड़ियां दब गई। मलियाना में भी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रदेश में 4 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और आपको यह भी बता दें कि बीते कल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ कुछ जिलों में जबरदस्त बारिश भी हुई है। तो ये शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिमला का ये चमियाना इलाका है और यहाँ चमियाना इलाके में शिमला के देखिए किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद मलबा नीचे आकर गिरा और यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हुई थी सड़क किनारे वो इस मलबे की चपेट में आ गई। जेसीबी मशीन मौके पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम चल रहा है और जो मलबे में गाड़ियां दबी हुई हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी हैं, नाम है पराक्रम राठौर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पराक्रम से ही जानते हैं अभी की स्थिति क्या है। पराक्रम, देखिए जिस तरह से इस बार मानसून की बरसात शुरू हुई है और मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। पिछली बार भी हिमाचल प्रदेश में काफी तबाही मानसून की वजह से हुई थी और इस बार भी क्योंकि एक ही रेंज पड़ती है जहां पर ज्यादा बारिश हुई है, चाहे चमियाना हो या फिर मलियाना, दोनों ही जगह जो है मलबा इस तरह का है कि जो पार्क खड़ी थी गाड़ियां उनमें यह मलबा जा गया और जो एक जगह 3 गाड़ियां पूरी तरह मलबे में दब गई है, जबकि दूसरी जगह भी मलबे से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। सड़क को खोलने का काम जारी है, मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन फिर से डर का माहौल प्रदेश में कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जो मलबा सड़क पर आकर गिरा है जहां पर ये गाड़ियां खड़ी हुई थी जो इस मलबे की चपेट में आ गई, ये सड़क कहाँ से कहाँ, मतलब कौन से हिस्सों को जोड़ती है और इससे आवाजाही किस तरीके से प्रभावित हुई है ये भी बताइए। देखिए बाईपास है जो चंडीगढ़ से, यदि आप बाईपास से जाते हैं तो ढली चमियाना और ऊपरी शिमला का जो है सड़क जोड़ती है। मुख्य बाजार से आप ना जाकर जो है बाईपास से जाते हैं तब ये मेन सड़क है और ये सड़क जो है इसमें काफी आवाजाही रहती है और इसी सड़क में जो है काफी मलबा है और दोनों जगह जो है ये सड़क अभी अवरुद्ध हुई है, जिसको की बहाल करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन डर यही है कि कहीं ज्यादा बारिश हुई तो और नुकसान प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की जो सड़कें हैं अभी भी पूरी तरह जो है ठीक नहीं हो पाई है और दोबारा से बरसात हो गई है, मानसून की बरसात आ गई है, तो ऐसे में सरकार और लोगों के लिए चिंता का ये विषय बना हुआ है जी। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज किस तरीके से रहने वाला है हिमाचल के इन इलाकों में? बिल्कुल, मौसम भी जो है खराब रहने वाला है, मानसून ने दस्तक दे दी है और कल और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने भारी बारिश का जो है प्रदेश के कई इलाकों के लिए किया है। इस दौरान जो है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो यही वजह है कि डर के साए में है लोग, साथ साथ जो है जिला प्रशासन और सरकार भी जो है तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि जिस तरह पिछली बार देखने को मिला था पहली बरसात में जो है मनाली कुल्लू को बहा ले गई थी मानसून, तो अब क्योंकि आज तो वो सिर्फ येलो अलर्ट था, उसका कोई ज्यादा असर नहीं था होना था शिमला में, लेकिन बावजूद इसके जो बारिश हुई इतनी बड़ी तबाही जो है शिमला में देखने को मिली है। लेकिन आने वाले वक्त में कल और परसों जो है वो भी खतरा है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है जी। तो फिर इस खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं? वो पिछले साल वाली मार जो यहाँ हिमाचल पर पड़ी थी, और जैसा कि अभी आप खुद ही बता रहे थे कि अभी तो सड़कें वैसी मजबूत भी नहीं बन पाई थी और उससे पहले ही ये दोबारा से बारिशों की मार जो पड़ना शुरू हो गई है, तो इसके लिए तैयारी क्या की जा रही है सरकार की तरफ से, एहतियाती कदम बताइए क्या उठा रही है सरकार? देखिए एहतियाती कदम तो यही कर रही है सरकार की जो मशीनरी है डिप्लॉय कर दी है, क्योंकि पहाड़ों से मलबा तो गिरता है और जिस तरह से 4 लेनिंग हो रही है लगातार और 4 लेनिंग से ज्यादा नुकसान होता है और ये सड़क भी है क्योंकि थोड़ा चौड़ा हुई है तो वहां से भी लगातार मलबा आता है। कई जो शिमला क्योंकि ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है, तो लोग मिट्टी और घरों का मलबा भी ऐसे फेंकते हैं, जब भी बारिश होती है पहली बरसात जो होती है उससे जो मलबा है वो सड़कों पे आता है, तो यही वजह है कि ये दिक्कतें हैं। और सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि मशीनरी एक जगह डिप्लॉय की जाती है, दूसरी जगह लैंडस्लाइड हो जाता है, तो समस्याएं हैं। बरसात को लेकर जो प्रशासन की तैयारियां होती है वो कर ली है, बैठ के कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पराक्रम राठौर, हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से ये लैंडस्लाइड जो हुआ है जिसमें 3 गाड़ियां दब गई थी और अब उन्हें निकालने का काम जारी है।